दोस्तों आज मैं बड़े ही चाप से मेले के अंदर रावण को देखने गया, लेकिन वहां जाकर पता लगा यार अभी तो रावण हमारे सो ही रहा है, रावण तो तैयार ही नहीं है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना आज रावण को अंदर तक स्कैन कर ले, देखते रावण के अंदर आज क्या क्या मिलता है और कहां पर ये बम पटाखे छुपा छुपा कर रखते हैं जो रावण को जलाने के बाद दूर दूर तक जाते हैं। देखो दोस्तों कितने बड़े बड़े रावण के पुतले, देखिए कितनी गहरी गुफा है इसके अंदर। वाह वाह वाह, ये देखिए, लेकिन बम पटाखे मुझे कहीं नहीं दिख रहे, शायद कहीं अंदर छुपा रखे होंगे। ये देखिए बीच वाला मुझे लगता है रावण है, ये साइड में कुंभकर्ण और मेघनाथ हो गए, हाँ यही रावण है। देखिए रावण के अंदर भी देखिए भाई साहब कितने लंबे लंबे डंडे लगा रखे हैं। देखिए अभी तैयारी इनकी चल रही है, लगता है आज हम थोड़ा पहले पहुंच गए भैया। चलिए एक बार ना मैं तुम्हें पास से जाकर दिखाता हूँ रावण के चेहरे, अभी तो इनकी तैयारियां चल रही है भाई पूरे जोर शोर से। ये देखिए भाई एक रस्सी खींच रहा है। देखिए दोस्तों हर साल मेरे शहर के अंदर मेला लगता है थीम पार्क के अंदर, और मेरे शहर का नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का आप सब जानते ही होंगे, जहां पर श्री कृष्ण जी ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वैसे तो मेरे शहर में एक से एक घूमने की जगह है, कोई बात नहीं एक दिन तुम्हें वो भी दिखाऊंगा सब वीडियो बना बना, परंतु पहला काम हमारा ये है कि आज हम रावण के बड़े बड़े चेहरे देखेंगे पास से जाकर, जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि आज मैं जल्दी आ गया थोड़ा मेला देखने, और मेले का टाइम होता शाम का और मैं सुबह सुबह आकर बैठ चुका हूँ यहाँ पर। एक बात है दोस्तों, रावण बनाने वालों की कलाकृति तो भाई गजब की है एकदम। दोस्तों लगता है आज तुम अपना ये वाला रावण तुम जलता हुआ नहीं देख सकेंगे, लेकिन परंतु कोई बात नहीं, आज हम अपने पड़ोस में भी दो रावण जलाएंगे। तो चलिए टाटा एंड बाय बाय बड़े रावण भैया, अभी हमें अपने छोटे रावण के पास जाना है। तो दोस्तों ये है मेरे पड़ोस का छोटा रावण, जो कि दिखने में एकदम गजब लग रहा है, और इस रावण को खरीदा नहीं गया बल्कि बनाया गया है खुद से, और जिसके अंदर लगाए हमने ढेर सारे बम। तो लीजिए रावण दहन की तैयारी हो चुकी है और लगा दी हमने आग। भाई साहब अब बारी है हमारे दूसरे रावण को जलाने की। थोड़ा सकल से तो लग रहा है ये रावण है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है भाई इसको बनाने में। हमारा क्या, हम तो अपना फोन का कैमरा उठाकर इधर से उधर चल पड़ो। देखिए हमारे ये अंकल जी ने लगा दी लाइटर से आग, और ये सब पीछे को भाग चुके बच्चे, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे बच्चों ने लगा दिए बड़े बड़े बम। अरे भाई बम की तो आवाज आ रही, बोलो श्याम के नाम से बाड़ा का देख ले रावण की देर दूर तक रहेगा। अच्छा कंपटीशन हो गया हमारे, कंपटीशन तो भाई ऐसी कर देती है। चलिए दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो दो रावण वाली। टाटा बाय बाय चंदा मामा।